हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ठोस आकारों के आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। गोलू जब शहर गया था तब उसने वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखी। क्यों ना चंपापुर में मैं एक ऐसी ऊंची इमारत बनाऊं? गोलू ने सोचा और वो इमारत का डिजाइन बनाने लगा। मैं हर घर को अनोखा बनाने के लिए उसे घन क्यूब आकार का बनाऊंगा। हर घर की भुजाएं 3 मीटर लंबी होंगी। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं एक घर का आयतन वॉल्यूम कितने घनों के बराबर होगा? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। घन आकार के घर की भुजाओं की लंबाई 3 मीटर है। इसका मतलब घर की पहली परत में 3×3 9 घन होंगे। और क्योंकि घर घन आकार का है, उसकी ऊंचाई भी 3 मीटर ही होगी। दूसरे शब्दों में, घन आकार के घर में मीटर घनों से बनी 3 परतें होंगी। हर परत का आयतन 9 मीटर घनों के बराबर है। इसका मतलब घन आकार के घर का कुल आयतन होगा 9×3 27 मीटर घनों के बराबर। अच्छा, तो हर घर का आयतन 27 मीटर घनों के बराबर है। अगर मैं इमारत की हर मंजिल में 6 घर बनाऊं, तो सबसे निचली मंजिल का कुल आयतन कितने मीटर घनों के बराबर होगा? हर घर का आयतन 27 मीटर घनों के बराबर है और हर मंजिल पर ऐसे 6 घर हैं। इसका मतलब सबसे निचली मंजिल का कुल आयतन होगा 6×27 162 मीटर घनों के बराबर। और अगर मैं अपनी इमारत में 12 मंजिलें बनाऊं, तो मेरी इमारत का कुल आयतन कितने मीटर घनों के बराबर होगा? बच्चों, क्या आप गोलू को इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद कर सकते हैं? जल्दी से वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढिए। इमारत की हर मंजिल का आयतन 162 मीटर घनों के बराबर है और इमारत में ऐसी 12 मंजिलें हैं। इसका मतलब पूरी इमारत का आयतन होगा 162×12 1944 मीटर घन। गोलू ने उसकी इमारत बना ली और चंपापुर के लोग उस इमारत में खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ठोस आकारों के आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।